Close your eyes for prayer. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guru Ve Nama. Open your eyes. Good morning, students. Take out your GK textbook. Open page number 16. Today I will explain you chapter number 11, animals and their homes, and after then chapter number 12. Okay, let's start. All animals need a home to live in. All animals need a home to live in. इसका मतलब ये होता है कि सभी जानवरों को रहने के लिए घर की जरूरत होती है. Different animals live in different kinds of homes. अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार के घर में रहते हैं. Okay? अलग अलग जानवर अलग अलग प्रकार के घर में रहते हैं. मतलब सभी जानवरों का घर एक नहीं होता है, अलग अलग होता है. ओके, उनके नेम भी अलग अलग होते हैं. अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, एनिमल्स एंड देयर होम्स, यानी कि जानवर और उनके घर. ओके, गाइड द गिवन एनिमल्स शो बिलो टू देयर होम्स. ये जो है एनिमल्स, उनके नीचे होम्स दिए हुए है. ओके, तो हमको अभी एनिमल्स को गाइड करना है. ओके, फर्स्ट में कौन सा एनिमल है, लायन. ओके, तो लायन कहाँ रहता है, डेन में. डेन मीन्स क्या होता है, गुफा. ओके, तो हम लायन को डेन से मैच करेंगे, उसको गुफा में ले जाएंगे. ओके, डेन में ले जाएंगे क्योंकि वो कहाँ रहता है, गुफा में, डेन में. ओके, नेक्स्ट है स्पैरो. तो स्पैरो का होम कौन सा होगा, तो स्पैरो कहाँ रहती है. ऐसे भी आपको पता ही होगा कि जो जितनी भी बर्ड्स होती है वो क्या बनाती है, अपना घोंसला बनाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्ट. यानी वो रहने के लिए अपना जो घर बनाती है उसको बोलते हैं नेस्ट. तो स्पैरो कहाँ रहेगी, नेस्ट में. ओके, NEST, नेस्ट, ये जो दिख रहा है वो. तो यहाँ पर हम स्पैरो को ले जाएंगे, यानी मैच करेंगे. फिर थर्ड में है काऊ. काऊ कहाँ रहती है, तो काऊ के लिए क्या बनाया जाता है, शेड. शेड मीन्स क्या हो जाता है, छप्पर. शेड मीन्स होता है छप्पर. ओके, तो काऊ को हम शेड में रखते हैं, उनके लिए हम लोग छप्पर बनाते हैं. उनका हाउस क्या होता है, शेड. तो काऊ को हम शेड में ले जाएंगे, यानी उससे मैच करेंगे. फिर नेक्स्ट है रैबिट. ओके, तो रैबिट कहाँ होते हैं, तो रैबिट जहाँ रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बरो. बरो मीन्स क्या होता है, बिल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बिल. ओके, तो बरो, तो रैबिट को हम बरो में ले जाएंगे, उसका घर बिल होता है, बरो होता है. ओके, तो उससे हम मैच करेंगे. फिर नेक्स्ट में कौन है, तो कि डॉग. तो डॉग के घर को क्या बोलते हैं, डॉग के लिए क्या होता है, डॉग का घर होता है, उसको हम कैनल बोलते हैं. ओके, ये जो हाउस दिख रहा है ना आपको, इसको हम कैनल बोलते हैं. ओके, डॉग के घर को, तो डॉग को हम कैनल में ले जाएंगे. ओके, यानी मैच करेंगे. फिर लास्ट में क्या है, हॉर्स. ओके, तो हॉर्स कहाँ रहता है, तो हॉर्स के लिए स्टेबल बनाया जाता है. स्टेबल मीन्स होता है अस्तबल, जिसको हम अस्तबल बोलते हैं हिंदी में. ओके, ये जो दिख रहा है बना हुआ, ये स्टेबल है. तो हॉर्स को हम स्टेबल में ले जाएंगे, यानी कि स्टेबल से मैच करेंगे. ओके स्टूडेंट, इस तरह से एनिमल्स को उनके घरों से मैच करना है. ओके, नेक्स्ट चैप्टर 12, एनिमल एंड देयर साउंड्स. जानवर और उनकी आवाज. ओके, तो जानवरों की आवाज कैसी होती है वो हमें लिखना है. राइट द साउंड ऑफ द एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स गिवेन बिलो. हमको जानवरों की आवाज है वो लिखनी है
क्लू बॉक्स जो नीचे दिया हुआ है उसकी हेल्प से। ओके तो फर्स्ट में आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है, आपको पिक्चर दिख रही है ना, कौन सी है ये, कौन है, कैट। तो कैट कैसी आवाज करती है, म्याऊ, है ना। तो देखिए यहाँ नीचे सबकी आवाज लिखी हुई है, ब्लिट्स, रोर्स, म्याउस, नीज, बार्क्स, ब्रेस। तो ये म्याऊ की स्पेलिंग है, एम ई डब्ल्यू एस, म्याउस। तो आपको यहाँ पे म्याउस लिखना है। ओके फिर नेक्स्ट में आपको कौन दिख रहा है, ये डॉग है, कौन है, डॉग। तो डॉग कैसी आवाज करता है, तो हम बाऊ बाऊ नहीं बोल सकते, हमें यहाँ पे आवाज दी गई है उसमें से लिखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाग, वो क्या करता है, बाग्स। ओके तो हमें यहाँ पे बाग्स लिखना है। ओके लायन है, तो लायन कैसी आवाज करेगा, रोर्स। तो नीचे रोर की स्पेलिंग दी है क्लू बॉक्स में, उसमें से देख के हमें यहाँ पे लिखना है रोर्स, आर ओ ए आर एस, रोर्स। ओके अब ये कौन है, किसकी पिक्चर है, गॉट। तो गॉट की आवाज कैसी होती है, ब्लिट्स। ओके तो ब्लिट्स की स्पेलिंग हमको क्लू बॉक्स में दी है, उसमें से हमें देख के यहाँ लिखना है, बी एल ई ए टी एस, ब्लिट्स। ओके हम इधर ऐसे नहीं बोल सकते कि गॉट मैं करती है, हमको यहाँ नीचे से उनकी आवाज दी गई है वो लिखनी है, ऐसे ब्लिट्स होती है उसकी आवाज गॉट की। ओके तो यहाँ पे आपको ब्लिट्स लिखना है। फिर हॉर्स, तो हॉर्स की आवाज कैसी होती है, तो यहाँ नीचे क्लू बॉक्स में जो दिया है उसमें नी है, एन ई आई जी एच एस, नी। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पेलिंग। फिर लास्ट में कौन है, तो डोंकी। तो डोंकी हमको पता है, किसी को पूछेंगे तो डोंकी कैसे बोलेगा, तो आप बताओगे हमको डेंचू डेंचू, लेकिन वो नहीं लिखना है। यहाँ क्या है डोंकी की आवाज, ब्रेज। ओके तो हमें यहाँ पे ब्रेज लिखना है। ओके स्टूडेंट तो आपको जिस तरह से बताया है उसी तरह से लिखना है, आपको किसी को भी ऐसा नहीं लिखना है कि डॉगी बाऊ बाऊ, ऐसा नहीं। डॉगी क्या करता है, बाघ, डोंकी ब्रेज, डेंचू डेंचू मत बोलना। ओके तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। ओके वंदे मातरम, थैंक यू।